truth or dare? Truth. कुछ भी पूछ सकता हूं? Kind of. तो बताओ नागालैंड की राजधानी कहां है? नागालैंड. अंकल जी कुछ ऐसा पूछिए जो आपका बेटा ऐसे नहीं बता पाएगा. सोचिए नार्को टेस्ट चल रहा है. तुम लोगों ने अपने फ्लैट में शराब की बोतलें छुपा रखी हैं? ढूंढ रहे आते सूटकेस खोल लिया. अरे तेरे लिए कुछ लेके आई है. ये देख मेरा फोटो. आगरे का पेठा लेके आई हूँ. अरे क्यों ले आती हूँ हर बार. अच्छा देख वो अपने फ्लैटमेट से बचा के रखना खा जा. अरे अन्न नमस्ते अंकल. नमस्ते. क्या जरा जबर. बहुत बढ़िया बेटा ये फर्नीचर बड़ा अच्छा खरीद लिया तुमने. अंकल जी फर्नीचर खरीद कहाँ कहाँ ढोता रहेगा कमजोर आदमी. रेंटिंग मेक्स मोर सेंस. फरलेंको नाम की कंपनी है रेंट पे दे देती है. लेंको. फरलेंको. फरलेंको. हाँ. अरे ये क्या है बियर का ढक्कन. अरे नहीं पेप्सी की होगी. मेरा बेटा नहीं पीता. अरे नहीं है वो एयरलाइन वाली बियर है जिसका मालिक माल लेके उड़ गया. चड्डा साहब की पार्टी मैंने देखी है ऐसी बियर के ढक्कन है वही है. ये देखो इसकी शक्ल देखो. इसकी तो आंखों से ही लग रहा है ये पीता. आंटी मैं बियर नहीं पीता. बियर पीने से गैस होती है मुझे. हाँ तो बेटा ये जो खा रहा है ना इससे भी गैस होती है. दे मुझे. अरे ये उस दिन का है. उस दिन वो गेम खेल रहे थे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे. हाँ, वो तो उसके लिए बियर की बोतल मंगवाई थी. बॉस आए हुए थे उन्होंने मंगाई. बियर तो फेंक दी थी सारी. मैंने खुद फेंकी थी वहां पर. अरे तो बेटा किसी और बोतल से खेल. अरे बॉस का यही है. बोलते हैं कि बियर की बोतल ज्यादा अच्छा लगता है. पागल है उसे क्या पता. अरे कैसे पागल है. आई टीम पड़े हुए हैं ना वो तो. सही कह रहे होंगे. ट्रूथ एंड डेयर होता क्या है. बंटी बेटा एक बियर की बोतल पकड़ ला दौड़ के. चलो अब तो. ओहो गिरा के तोड़ दी नई बोतल. शराब की बोतलें छिपी हैं फ्लैट में. पापा खेल का गलत फायदा उठा रहे हो आप. सब गेम लाइट गेम. तू अंकल आंटी सच सुन लेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा. हार्ट अटैक क्यों आ जाएगा. उनको तो बीपी की बीमारी है. हाई बीपी. गुस्सा हो जाती है. बर्तन फेंकने लगती है. थाईलैंड जाने की छुट्टी तूने यही बोल कर ली थी. क्या 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 क्या. शराब की बोतल अंदर है लेके आऊं. थाईलैंड गया था. ब्रह्मचर्य तोड़ दिया. ओके समझ में आ गया. वो डबल बेड तूने इसलिए लगवाया. अंकल वो तो प्रिया आती है इसलिए. अंकल आप इस तरह फ्री में नहीं पूछ सकते. वो बोतल घूमेगी तभी पूछ सकते हो आप. ऐसा ले ये रिफाइंड ऑयल की बॉटल से खेल ले. इसमें जो बचा था ना वो मैंने पनीर तलने में लगा दिया. लेकिन एक है बड़ा अच्छा लग रहा है ये सिमरॉफ. ये हमारे आगरा में तो मिलता नहीं. रशियन रिफाइंड है. अरे वाह जब खेल ले. अरे थैली वाला रिफाइंड आया था खाली पड़ी थी इसलिए डाला है इसमें. अंकल थाईलैंड से कोई वर्जिन वापस नहीं आता. ये राज आपको कैसे पता चला. वो चढ़ा था कि पट्टी में सुना था किसी मैंने. चड्डा साहब से थोड़ा दूरी रहा करो. ठीक आदमी नहीं लगते. तेरे दोस्त तो हीरे हैं सारे के सारे. पोल खोलो. ट्रुथ और डेयर. डेयर. जीतू की मम्मी. हाँ मम्मी कुछ नहीं बताओगे. डेयर है. ले बेटा दूध पी ले जल्दी से. हाँ क्या कह रहे थे आप. नहीं मैं बोल रहा था जीतू बड़ा हो गया. मम्मी क्यों गर्म कर लाई. दूध पीता नहीं हूँ मैं. जीतू ट्रुथ और डेयर. डेयर. आप डेयर में दूध पीने के लिए बोल दो ना. अरे बॉटम्स अप. आदत होगी. तेल ले लाऊं क्या. नहीं आंटी अभी जस्ट एक महीने पहले पिया था. घर गया था ना. शाबाश मेरा बच्चा. ला अंकल ट्रुथ और डेयर. ट्रुथ. अबे आपको कैसे पता चला बॉटम्स अप क्या होता है. एकदम सही पकड़ा है. ये लिंगो तो प्रो लोग यूज करते हैं. चड्डा साहब की पार्टी में कभी कभार एक आध बैग वो दवा के तौर पे ले लेता हूँ. बस दवा दारू. हम भी दवा दारू की तरह लेते हैं. हाँ अंकल ओकेजनली ली. वाइन जॉब का नंबर तो इसके स्पीड डायल में थर्ड नंबर पे है. जी तो ट्रुथ और डेयर. ट्रुथ. ट्रुथ. स्पीड डायल पे पहले दो नंबर कौन से. पहला तो प्रिया का है और दूसरे फिर इच्छा का. उसी की फ्लैटमेट है. माँ बाप. प्रिया के तो लखनऊ में है और ऋचा के कानपुर में. नारायक मैं कह रहा था और माँ बाप को भूल गया. श्रवण कुमार का पोस्टर वो दिखावा है.
अंकल वो तो मियां खलीफा का पोस्टर छिपाने के लिए था। खलीफा तुम लोग आईसीएस ज्वाइन कर रहे हो? ये सिंक में उल्टी और पेशाब ना करे इसका पोस्टर क्यों लगा रखा है? ये बिस्तर पे पेशाब करते देखा भी और सुना भी है, पर ये सिंक में कौन करता है? इसके ब्लैडर का प्रॉब्लम है इसलिए इमरजेंसी में कभी कभी। ये सब बीमारियां ना छुपाते नहीं है। तुम अच्छा करते हो बियर नहीं पीते, उससे पेशाब बड़ी लगती है। नहीं मैं नहीं पीता हूँ, चड्डा साहब से सुना है। दोनों बाप बेटे ना बुरी संगत में बिगड़ रहे हो। जी तो ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ। 14 फरवरी 2005 रात के 1 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा तो तू कंप्यूटर पे कुछ देख रहा था। मुझे देखते ही तूने वो चीज मिनिमाइज कर दी। क्या देख रहा था? पापा गड़े हुए मुर्दे को खाने से किसका भला हुआ है? टाइटैनिक देख रहा था। फिल्म थी तो छुपके क्यों देख रहा था? अब आपके साथ देखता तो 2-3 सीन में आप मुझे पानी लेने भेज देते। अरे ये गैस सिलेंडर के पीछे ये चाय की इतनी अच्छी केटल छुपा के क्यों रखी हुई थी तुम लोगों ने? लो चाय पी लो। अंकल ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ। अब जब पास्ट की बात आई गई है तो आप क्या सच में 6 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे? अरे तो कुछ भी नहीं है, मेरे पापा 6 किलोमीटर प्लस रास्ते में एक नदी तैर कर स्कूल पहुंचते थे। और वो जो तू निक्की साइबर कैफे में दिन दिन भर पड़ा रहता था ये बोल के कि स्कूल के लिए प्रोजेक्ट कर रहा था, हाँ कौन सा प्रोजेक्ट करता था तू? निक्की साइबर कैफे। निक्की साइबर कैफे जिसमें केबिन बने हुए थे। आपको कैसे पता वहाँ केबिन बने हुए थे? वो सिम के लिए एड्रेस प्रूफ चाहिए था तो डीएल का जेरॉक्स लेने गया था मैं। लेकिन 2003 से तो आपने नंबर ही चेंज नहीं किया, और जब बनाया था तो मैं जेरॉक्स करा के लाया था पवन की दुकान से। तेरी बहुत जबान चल रही है, तू पिट जाएगा जी, तू आज तू पिट जाएगा। फॉर गॉड सेक गाइस डोंट गेट वायलेंट, दिस इज अ जेंटलमैनस गेम। तू क्यों अंग्रेजी झाड़ने लग गया? फिर रखिए क्या? कुछ नमकीन बना लाऊं? मसाला पापड़। रेंदो जीतू की मम्मी। रेंदो रेंदो। अंकल ट्रुथ और डेयर। ये बार बार मेरी तरफ क्यों रुकता है ये? ट्रुथ। देयर। शर्मा जी को कॉल लगाओ और बोलो उनका बेटा एकदम नालायक। तो यार ये बिलो द बेल्ट है। अंकल यू हैव टू से इट, रूल्स आर रूल्स। हेलो हेलो। हाँ शर्मा। हाँ हाँ सुन वो तेरा बेटा ना नालायक है, जरा एकदम नालायक है। तेरा बेटा एकदम नालायक है? नहीं 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 यार हाई नहीं हूँ। अरे तेरे को छोड़ के क्यों पार्टी बजाएंगे चड्डे की? यार तेरे बेटे की सैलरी बढ़ी तो उस बाइकआउट क्यों करेंगे तुझे? हेलो हेलो यार बचपन की दोस्ती यार टुड़वा दी तूने। बेटा दोनों तरफ से बहुत खून बह चुका है, ये चल बंद करते। अंकल अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जीतू ट्रुथ और डेयर। डेयर। यही चाहता है तू? हाँ डेयर। सच में? तो तेरे लिए डेयर है। तू कानपुर वाले फूफा जी है ना नारायण जी, उनके साड़ू की बेटी हेमलता से शादी के लिए हाँ बोले। रूल्स आर रूल्स। लोग तो खेल में बीवियां हारते हैं पर तू तो दोस्तों और दुश्मन। जीतू की शादी में सभी लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। रिचा एंड प्रिया जो अभी तक सदमे में है, उसके नए फ्लैट के लिए फर्नीचर भेज रही हैं फरलैंको से, और मैं बंटी अग्रवाल पूरे 51 रुपये दे रहा हूँ। अब उससे ज़्यादा का नहीं खाऊंगा। और हाँ अगर आप भी जीतू को फ्री का आशीर्वाद देना चाहते हैं
तो TVF प्ले ऐप डाउनलोड करें अभी। और यार प्लीज़ यार कोई क्रॉकरी गिफ्ट मत करना, शादी में बाहर कोई वही देता है। ठीक है ना, मैं रख लूँगा, तुझे क्या है? तो भाई तैयार हो जाना, 8 बजे बारात निकलने वाली।